ये है Corsair का K55 RGB Pro Gaming Keyboard। इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनबॉक्सिंग में चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और साथ साथ जो है ना RGB इफेक्ट्स और की साउंड भी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूंगा। और पूरी वीडियो के एंड में जो है ना मैं रेकमेंड करूंगा कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और ऐसी गेमिंग प्रोडक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. ओए दोस्तों, तो यहाँ पर कीबोर्ड में सबसे पहले मिल जाता है क्विक गाइड बुक, जो कि हम इसको बिल्कुल भी रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं इसके वायर की, तो यहाँ पर जो वायर की क्वालिटी मिल रही है वो नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। वैसे तो ये USB टाइप है और इसका जो USB का जो ज्वाइंट मिल रहा है ना वो नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और आप लोग देख भी सकते हैं। ओए तो यहाँ पर इसके हैंड रेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाता है और ब्लैक कलर मैट फिनिश के साथ जो है मिल जाता है, लेकिन ये है कि सॉलिड प्लास्टिक में आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंफर्टेबल होगा, तो साथ हम चेक भी कर लेते हैं कितना कंफर्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइपिंग करता हूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। कि एक होता है कि नॉर्मली जो एक स्लिम से आते हैं कीबोर्ड उन जैसा बिल्कुल भी जो है ना हैंड रेस्ट लगाने के बाद बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है हैंड रेस्ट की। और दोस्तों, तो मैं कीबोर्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है ना कीबोर्ड का जो डिज़ाइन मिल रहा है वो सिंपल डिज़ाइन मिल रहा है, अच्छा काफ़ी डिज़ाइन मुझे लगा है। तो यहाँ पर मैं इसके कलर की बात कर लूँ तो यहाँ पर मैट फिनिश के साथ भी आता है, बट ये अपर लाइन जो है ना ये डार्क ब्लैक और शाइनिंग में मिल जाती है। इसका जो Corsair का जो लोगो है वो मिड में मिल जाता है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, सॉलिड प्लास्टिक में आता है। और दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना कुछ एक्स्ट्रा कीज मिल जाती है, जैसे कि अगर कोई मूवीज वगैरह रिवर्स करना या फिर फॉरवर्ड करना तो यहीं से आप कर सकते हैं। वॉल्यूम का जो है ना अप डाउन और म्यूट का बटन मिल जाता है, यहाँ पर लॉक का बटन मिल जाता है, ब्राइटनेस का बटन मिल जाता है और यहाँ पर जो है ना माइक्रो रिकॉर्डिंग का जो है ना हॉट की मिल जाता है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि ये सिर्फ गेमिंग कीबोर्ड है, जो मेमोरी कीबोर्ड होते हैं वो है ये, ना कि मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो इसके अंदर ये है कि RGB इफेक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब कि ये RGB मिल रही है। तो चलिए फिर जो है ना इसके RGB इफेक्ट चेक करते हैं। और दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर देता हूँ इसके इफेक्ट्स। तो FN और G1 दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है ना कुछ इस टाइप से जो है मोड मिलेगा, G2 में कुछ इस टाइप से ये वाला जो है ना कलर चेंज होगा G2 में, ये आप लोग देख सकते हैं। G3 में जो है ना यहाँ पर इस टाइप से ही चेंज होगा और G4 में ये वाला जो है सेक्शन जो है चेंज होगा और G5 में जो है ना ये जो न्यूमेरिकल कीज़ हैं वो चेंज होंगी और G6 में जो है बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बंद नहीं होगा, मैं G6 में जो है ना ये इफेक्ट मिल जाता है, अगर हम कोई सा भी जो है ना बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है मूड ऑन हो जाएगा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ओके, तो यहाँ पर मैं FN और यहाँ पर कोमा वाला जो है ना बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप से जो है ना स्टैंड मूड जो है ना ऑन हो जाएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो मैं FN जो है ना यहाँ पर ये बटन दबाता हूँ तो ये इस टाइप से जो है मूड हो जाएगा, स्टैंड बाय मूड है। तो यहाँ पर मैं FN1 दबाता हूँ तो ये इस टाइप से जो है कलर मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी जो है ना कुछ इस टाइप से जो है बटन्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 में जो है ना वन कलर मिल जाता है, जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना खुद ही चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर 8 में जाऊँ तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है इफ़ेक्ट मिल जाता है फुल कलर में। ओके, तो यहाँ पर 9 में जाऊँगा तो यहाँ पर स्टैंड बाय मोड मिल जाता है और यहाँ पर फिर FN0 दबाऊँगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है मोड मिल जाता है। तो चलिए फिर जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना इसकी की साउंड जो है ना चेक करवा देता हूँ। ओके, तो इसकी जो की साउंड है ना वो आप लोग चेक कीजिएगा।
तो की साउंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, साइलेंट कीज में आता है। तो अगर तो आप लोग जो है ना वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो इस कीबोर्ड में जो है ना साइलेंट कीज मिल जाती है, लेकिन यह है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, वीडियोस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये आप लोगों को कैसा लगा कीबोर्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो ये कीबोर्ड आप लोगों को कैसा लगा? कॉर्सेयर का गेमिंग कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, बट ये RGB के साथ आता है। तो ये आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और शॉप का एड्रेस भी आ रहा है और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और ओवरऑल पाकिस्तान में जो है डिलीवर भी हो जाएगा। तो ऐसे गेमिंग प्रोडक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।